उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 13 फरवरी यानी मंगलवार से शुरू हो गई। कानपुर में भी मदरसा बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं को लेकर खास व्यवस्था की गई। नकलविहीन परीक्षा हो इसके लिए 2 टीम निगरानी के लिए बनाई। सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर अल्पसंख्यक अधिकारी ने नेतृत्व किया। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर CCTV से भी निगरानी रखी गई। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षा मंगलवार को 2 पालियों में कराई गई, जिसमें प्रथम पाली सुबह 8 से 11 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी 2024 को समाप्त होंगी। अलीम सीनियर सेकेंडरी फारसी अरबी कामिल फाजिल की परीक्षाएं देने पहुंचे। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में अल्पसंख्यक अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि शहर में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 7 इंटर कॉलेज और 4 मदरसे हैं। परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान 2 टीम भ्रमण कर रही है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनात रहेंगे। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर CCTV फुटेज भी लगे थे, जो रिकॉर्ड मोड पर रहे। समय समय पर उनकी रिकॉर्डिंग भी चेक की गई।